प्रिंसिपल आया केमिस्ट्री क्लास 12 को, 11 को पढ़ाने, हिमांशु कुमार आया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले हम एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। एक एटम के मास को क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास। और जब हम लोग एटॉमिक मास को जिस यूनिट से मापते थे उस यूनिट का नाम क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। चाहे उसी को क्या बोलते थे, यूनिफाइड मास। चाहे उसी को हम लोग डाल्टन भी बोलते थे, ठीक है। और वन एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना था, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, चाहे −27 kg। समझे, ये दोनों वैल्यू क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ कितना बार। तो अब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम एटॉमिक मास, तो बोलिए एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते तो क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग ग्राम एटम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। और ग्राम एटम को ही हम लोग क्या बोलते थे, मोल। और एक मोल का, एक मोल का वैल्यू कितना हुआ करता था, 6.022 × 10³। सोचिए आप 10 में भी पढ़े, भूल गए ना, तब हम लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। पिछला क्लास में बताया था, दो दिन गैप हो गया इसीलिए थोड़ा सा स्केप करके माइंड से लिखिए इसका डेफिनेशन। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। पॉइंट नंबर टू, मोल वाज अर्लियर नोन एज ग्राम एटम। पॉइंट नंबर थ्री, मास ऑफ वन ग्राम एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास। पॉइंट नंबर फोर, मास ऑफ, रुक जाइए एक मिनट, देखिए सर, ग्राम एटम को ही हम लोग क्या बोलते थे, मोल। ग्राम एटम हमारा क्या है, मोल। और एक मोल का वैल्यू कितना हुआ करता था, 6.022 × 10³। इसी को बोलते हैं 6.022 × 10³ एटम्स बराबर ग्राम एटॉमिक मास। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, पूरा बोलता है ना कि जब एटॉमिक मास को, जब एटॉमिक मास को व्यक्त करते हैं ग्राम में, तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फिर बोलते हैं कि मोल को पहले जानते थे ग्राम एटम के रूप में। फिर पॉइंट नंबर थ्री बोलता है कि एक ग्राम एटम के मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इसी को बोल सकते हैं कि एक मोल के मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए मास था तो मास लिखे, ऑफ था तो ऑफ लिखे, और वन ग्राम एटम को मोल बोलते थे, तो यहाँ पर मोल का वैल्यू लिखे। तो एक मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.0 × 10³ एटम्स बराबर ग्राम एटॉमिक मास। बोलिएगा, जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो वह किसके बराबर होता है, मास ऑफ, हाँ, मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम के बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो एक मोल का वैल्यू बोलिए, 6.23
हाँ इसको भूलिएगा कभी नहीं, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर लिख लीजिए ठीक है, जहाँ अर्लियर है, अर्लियर का मतलब क्या होता है पहले, ओके जो जो चीज नहीं जानिएगा ना बहुत छोटा वर्ड में लिखिएगा ताकि वो आप ही को दिखे। कोई पूछे कि ग्राम बटर में मास क्या है तो आप कॉपी खोल के मत देखने लगे क्या पढ़ेंगे, समझे? आपको इसी तरह बोलना जिस तरह हम बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे कि हम लोग जब एटॉमिक मास को ग्राम में लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। और ग्राम एटम ये हमारा क्या है, मोल। ओके तो जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और मोल को पहले किस रूप में जानते थे, ग्राम एटम के रूप में। और एक ग्राम एटम का मास किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के, किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। और हाँ अवोगाड्रो नंबर का मास किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास। या पढ़े इसी को अवोगाड्रो की संख्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, यही है अवोगाड्रो नंबर, हम पढ़ाएंगे आगे। शिव मंदिर के सीधा आगे आते जाइए, ठीक है, पूछिए कि मल्टी जिम किधर है। हाँ देखा मल्टी जिम तुम, हाँ तो मल्टी जिम से पहले एक सब्जी का दुकान के बगल में एक आरएनए बायोलॉजी करके लिखा हुआ इंस्टीट्यूट का नाम और जीनियस मैथमेटिक्स।